हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। ज्ञान प्लस वे ऑफ सक्सेस सीरीज में सामान्य ज्ञान की सीरीज नंबर 4 लेकर हम एक बार फिर आपके सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि NTPC ग्रुप डी, UPSC तथा ऑल वन डे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs सामान्य ज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। तो निम्नलिखित में से आयरन ऑक्साइड जो है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। प्रश्न नंबर 2 की ओर जब बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है। तो जब ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ओडोमीटर क्या मापने की इकाई है। तो ओडोमीटर जो है दूरी मापने की इकाई है। जो जो आपके गाड़ियों में मीटर लगा होता है वो ओडोमीटर ही होता है, जो कि जितनी बार चक्कर लगाता है उसी हिसाब से वो दूरी को नापता है। तो उसमें आपको देखिए, आपको वहाँ पर लिखा, आपको किलोमीटर, आपका गाड़ी कितने किलोमीटर चली, वो ओडोमीटर ही द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लौ उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पे नीली लौ, आग की नीली लौ जलती है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण रोकने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। तो निम्नलिखित में से कसक्यूटा नामक जो परजीवी होता है वो पौधों से पोषण प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम में से चाकू निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेन का आणविक सूत्र जो होता है C3H8 होता है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने में आपका नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का मज्जा जो होता है वो सांस लेने को नियंत्रित करता है। जो प्रमस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा ज़्यादातर महत्वपूर्ण क्रियाएं मानव के इसी द्वारा संचालित होती हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से एक बायोगैस घटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बायोगैस घटक नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रदूषण वाली गैस है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो निम्नलिखित में से आर्थ्रोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, तो जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था तब अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह यानी कि चंपारण सत्याग्रह आप इसे कह सकते हैं कि किया था। प्रश्न नंबर 13, नोआखली स्थित है। तो नोआखली बांग्लादेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा वेद प्रारंभिक युग के बारे में जानकारी देता है। तो इनमें से ऋग्वेद जो होता है वो सबसे पुराना वेद है, उसके बाद सामवेद है, उसके बाद यजुर्वेद है आपका, उसके बाद अथर्ववेद है। तो सबसे प्रारंभिक युग की जानकारी आपका ऋग्वेद देता है। सामवेद आपका गाया जाने वाला है, यानी कि गीत गाया जा सकने वाला है। आपका यजुर्वेद है, उसके बाद अथर्ववेद आपका मंत्रों जाप आदि का वशीकरण आदि का है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर जब बढ़ते हैं, देखते हैं बाणभट्ट किसके दरबारी थे। तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह हैं, जो कि JDU के मेंबर हैं, JDU से सांसद हैं राज्यसभा के। तो याद रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह हैं जो कि JDU के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, तो
किस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जो कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। इससे पहले गवर्नर नाम से ही जाना जाता था। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जो सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र तथा बिहार हैं। याद रखिएगा महाराष्ट्र तथा बिहार हैं, लेकिन देखिए याद रखिएगा कि महाराष्ट्र तथा बिहार हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सीटों की संख्या अगर जोड़ेंगे तब की बात की जा रही है। इस प्रकार से आप अगर टोटल अलग अलग करके देते हैं तो महाराष्ट्र अगर इस दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र और बिहार ही हैं। अगर आप दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल 42 सीटों का है, लेकिन यहाँ पे देखिए संख्या नहीं दी हुई है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दोनों का कॉम्बिनेशन निकालने के बाद आपको देखना है कि किस में सबसे ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र में आपके 48 लोकसभा सीटें हैं जबकि बिहार में आपकी 40 लोकसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षा जनरल यानी कि CAG की नियुक्ति की अवधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो जब भारतीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उनके कार्यों का निर्वहन भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। हाथियों के बीच चींटी किसके द्वारा लिखी गई है? आंट्स एमंग द एलिफेंट में सुजाता गिदला द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण फेमस कृति है। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो एल्युमिनियम द फ्यूचर तपन कुमार चंद द्वारा यह लिखी गई है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो नाटो का शिखर सम्मेलन लंदन में प्रस्तावित है। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में संपन्न हुए बुकयान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में संपन्न हुए बुकयान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक चढ़ने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? कामी शेरपा, जो कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई की थी। प्रश्न नंबर 26 की ओर बात करें तो GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो GST के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो इंजीनियर दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ में खोला गया है। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का पहला स्पेसएक पार्क कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला स्पेसएक पार्क केरल में खोला गया। प्रेस फ्रीडम अवार्ड की भारत में रैंकिंग क्या रही है? यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 140वीं रैंक थी। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न GK के पार्ट 4 में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।